हेलो एवरीवन, मैं अरविंद। और आज का अपना जो कंसेप्ट है वो आपको दिख ही रहा होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इनकी फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आप लोग अगर बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसमें दो वर्ड ऐसे हैं, एक तो मल्टीपल और एक फैक्टर। ये क्या होते हैं? क्योंकि लोवेस्ट और हाईएस्ट का हमें पता है, कॉमन का हमें पता है कि जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में कॉमन होता साझा होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन। बट मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। मान लीजिए इसको हम डिजिट कोई डिजिट लेते हैं और उसके मल्टीपल निकाल के या उसके फैक्टर निकाल के समझने की कोशिश करते हैं। हमने नंबर लिया 8, ठीक है? तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल होते हैं, जैसे 8 के निकाल रहे हैं तो 8 की टेबल में क्या क्या आएगा वो बढ़ता जाएगा। 8 के मल्टीपल होंगे 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो। एक बात ध्यान रखना भाई, मल्टीपल खत्म नहीं होते, एंड पॉइंट नहीं होता, वो चलते रहते हैं, ठीक है? तो ये इसके मल्टीपल हैं। लेकिन ऐसे ही अगर फैक्टर की बात की जाए ना, 8 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर वो होता है जिस जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा नेचुरल नंबर में। तो फैक्टर ये किससे डिवाइड हो जाएगा? वन से तो सभी डिवाइड होते हैं, टू से भी डिवाइड हो जाएगा, फोर से डिवाइड हो जाएगा और 8 से। तो हमने नोटिस एक चीज़ तो ये की कि जो मल्टीपल होते हैं ना उनका एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन जो फैक्टर होते हैं उनका एंड पॉइंट होता है। मल्टीपल या तो वो नंबर होता है या उसके टेबल में जो आते हैं वो आगे तक होते हैं। फैक्टर या तो वो नंबर होता है या फिर उससे छोटे होते हैं। ये डिफरेंस होता है मल्टीपल और फैक्टर में। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी से हम एलसीएम और एचसीएफ एक बार निकालते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो ईजी हो जाएगा। एक नंबर और लेते हैं हम यहाँ पे, 6। 6 के मल्टीपल क्या होंगे भाई? 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे होंगे ना, ये हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से हम एलसीएम क्या निकाल, देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 8 इसमें है इसमें नहीं है, 16 इसमें है इसमें नहीं है, 24 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब पहला जो मल्टीपल है जो मैच होता है दोनों में वो क्या है? 24। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 24। कितना हो जाएगा हमारा? 24। ये लोएस्ट ही तो है ना भाई, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि इससे पहले जो थे वो तो मैच ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ यही मैच कर रहा है। तो ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। वैसे भी आप निकाल के देखोगे तो 24 ही आएगा। अब आते हैं एचसीएफ पे, इसी को लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। इसमें है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो दोनों में हो। दो अभी दो ले रखे हैं तो दोनों में देखना पड़ेगा, ज़्यादा ले रखे होंगे तो सब में देखना पड़ेगा। अब देखो ये तो मैच तो कर रहा है, लेकिन छोटा इससे बड़ा तो 2 है, ठीक है? 4 इसमें है इसमें नहीं है, 8 इसमें इसमें नहीं है, तो 2 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है? ये डिफरेंस था हमारा मल्टीपल और फैक्टर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इससे हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो ये बेसिक था बेसिकली। अभी हमारी क्लास स्टार्ट होगी, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कॉमन करके कैसे निकालते हैं। अभी हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, जो हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। से कोई नंबर लेते हैं, अभी हम बहुत सारे नंबर लेते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये बोले कि इसका एलसीएम निकालो, तो सिंपल है। देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर देख लो, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 64 है भाई। अगर 64 बाकी के जितने भी नंबर हैं सबसे डिवाइड हो जाता है तो वो बड़ा नंबर ही उसका एलसीएम बन जाएगा। तो देखो 32 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 की टेबल में भी आता है, 8 की में भी आता है, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका 64 हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं अभी। अगर मैं लिखूं 5, 10, 15, 20 और पूछूं कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा, तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, इसमें सबसे बड़ा नंबर है हमारा 20। 25 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो इनसे तो डिवाइड हो रहा है, इनको छोड़ दो अभी, बाकी रहा 15, 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम ना इसकी टेबल पढ़ेंगे जब तक ये 15 से डिवाइड नहीं हो जाता। तो 22 जा कितना बना, 40, क्या 40 होगा 15 से, नहीं होगा। 23 जा 60, 60 हो जाएगा भाई इनसे। देखो 20 अगर इनसे हो रहा है ना, तो इसके मल्टीपल से तो ये डिवाइड होंगे ही होंगे, तो इनकी तो टेंशन ही नहीं लेनी, सिर्फ इसको देखना है फिर हमें। तो 15 से हो जाएगा, इसका मतलब क्या है हमारा 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट, कि इस तरह से हम एलसीएम जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी का, चलो इसी का हम एचसीएफ भी तो निकाल सकते हैं ना। तो एचसीएफ देखो, एलसीएम में हम फोकस क्या कर रहे थे, सबसे बड़े नंबर पे, कि सबसे बड़ा नंबर बाकी के छोटे नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो एलसीएम बन जाएगा। लेकिन एचसीएफ में हम फोकस करेंगे सबसे छोटे नंबर पे। अगर सबसे छोटा नंबर बाकी के सभी बड़े नंबर को डिवाइड कर देता है तो वो छोटा नंबर ही एचसीएफ हो जाएगा। देखो 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, 8 को भी, 16 को भी, 32 को भी, 64 को भी, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे 5 10 ले रखे थे हमने, 5 10 ले रखे थे हमने, यहाँ पे 20। देखो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 10 को भी डिवाइड कर देगा, 15 को भी कर देगा और 20 को भी, इसका मतलब एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो था ये जिसमें मैच कर रहे थे, डिवाइड हो रहे थे सारे के सारे नंबर, लेकिन ऐसे नंबर आ जाएं जो सभी अलग हों, कुछ कॉमन ना हो, जैसे 3 4 5 7, ठीक है ये ले लिया भाई। अगर बोले कि इसका एलसीएम क्या हुआ, सबसे बड़ा नंबर तो 7 है, 7 तो किसी से नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की 7 के साथ करोगे तो 420 हो जाएगा। और इसी का अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या मैच कर रहा है भाई, 3 4 5 7 में कुछ मैच नहीं कर रहा, कुछ नहीं मैच कर रहा, तो 1 1 सबका मल्टीपल होता है, ठीक है, तो 1 सभी के साथ होगा। इसको लिख सकते हैं ना 1 इंटू 3, इसको 1 और 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसके बन जाएंगे 1 5 और इसके बन जाएंगे 1 7। तो देखो 1 1 सभी में कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। तो अब ना हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया है, तो हम जो फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, जैसे 4 बाई 5, 4 बाई 5, 6 बाई 25 और 8 बाई 15, इसका अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे। सिंपल है भाई, इसको याद रखना बिल्कुल इजी है। अगर फ्रैक्शन का हमें निकालना है, भिन्न का हमें निकालना है एलसीएम, तो जो न्यूमरेटर होगा हमारा, अंश होगा, उसका हम एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 4 6 8, 4 6 8 और नीचे एचसीएफ ऑफ 5 25 एंड 50। सिंपल है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम निकाल दो, नीचे एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ निकाल दो, नीचे एलसीएफ, बस। तो देखो अभी हमने एलसीएम निकालना सीखा था, उसका यूज करेंगे हम। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। 8 अगर 4 से और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो एलसीएम 8 हो जाता, लेकिन 4 से तो हो जाएगा डिवाइड, लेकिन 6 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ देंगे हम,
इससे तो हो ही रहा है। अब एट की टेबल पढ़नी है जब तक ये सिक्स से डिवाइड नहीं हो जाता। तो एट टू जा कितना, 16, 8 3 जा कितना, हाँ 8 3 जा कितना 24। अब देखो 24 सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा और एट से, एट की तो टेबल में आता ही है, इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। और नीचे वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, एचसीएफ के लिए हम सबसे छोटा नंबर होगा उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे छोटा तो 5 है भाई, 5 25 को भी डिवाइड कर देगा, 5 15 को भी डिवाइड कर देगा, इसका मतलब 5 आ जाएगा। 24/5 इज आर आंसर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। हमारे पास कुछ नंबर लेते हैं, 3/7, 4/21, 12/84 और 1/14। तो इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो मैंने बताया था HCF निकालना है, तो ऊपर HCF नीचे LCM। तो HCF ऑफ किस किस का निकालना है, 3, 4, 12 और 1 का। और LCM किसका निकालना है, 7, 21, 84 एंड 14 का। तो देखो भाई HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या कॉमन, सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। अब 1 सभी को डिवाइड करेगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 12 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, 3 को भी करेगा। तो HCF तो कितना आ गया, 1। और LCM के लिए हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 84। क्या 7 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 12 7 84, 14 से भी हो जाएगा, 84 14 6 84, और 21 से भी हो जाएगा, 21 6 84। तो हमारा बड़ा नंबर बाकी के सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 84 ही हमारा LCM आ जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन का HCF और LCM निकाल सकते हैं। आई थिंक मल्टीपल फैक्टर और नंबर्स का LCM HCF निकालना या फ्रैक्शन का HCF LCM निकालना आपको आ गया होगा, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।